रफाल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। कुल मिलाकर केक की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई, लेकिन इसका ब्यौरा अभी सामने नहीं आया है। इधर कांग्रेस द्वारा जेपीसी की मांग करते हुए लोकसभा से वॉकआउट कर दिया गया। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने गोपनीयता कानून के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। राहुल ने ईमेल का प्रिंट दिखाकर दावा किया कि फ्रांस के रफाल सौदे पर दस्तखत से पहले मोदी ने अनिल अंबानी के लिए बिचौलिए का काम किया। मोदी के बचाव में केंद्रीय मंत्री रवि प्रसाद ने उल्टे राहुल गांधी पर विदेशी फर्मों के लिए लॉबिस्ट की भूमिका में आने का आरोप लगा दिया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर यह कहा कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए लोगों के तंज मुझे नहीं चुभते हैं। आज सरकार काम इसलिए इतना कर पा रही है क्योंकि 2014 में हमें पूर्ण बहुमत मिला। किसी की धमकियों या गालियों से चौकीदार रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभियान और तेज किया जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।